गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी, और अपने ही खेतों में अपने ही गौवों को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गाँव के अन्य साथी पाली भी वहाँ गौवें चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहाँ आता किस उद्देश्य से, वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है सतलोक में, और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में उस भाग में रहता है। एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर सिर पर छत्र है और मुकुट पहने हैं, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहाँ उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहाँ जब आते हैं अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावें तो हम उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहाँ आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहाँ मालिक रहते हैं वो सतीति दिखाई, वहाँ हंस कैसे रहते हैं, वहाँ कैसी सृष्टि है, वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं,
सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़, वहाँ हीरे पन्नों के जवाहरातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज़ का अभाव नहीं, वहाँ कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहाँ पर अमृत सरोवर भरे पड़े हैं। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहाँ से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, कोई ये क्यों, यदि ये गंगा जल ना होता यहाँ पर, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहाँ पर ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते। अरे ये तीसरे खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, अरे वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमोसफियर है वहाँ का, तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर हैं, और सदाबहार वृक्ष हैं। बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहाँ से तुम आए थे, ये सत्कर्म मान लेना, ये कोई बालकों की। ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन, उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर रजा कर रखी मालिक थे। तो ये सत्कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगी। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एकाधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है, वो ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बोल्या, ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रख्या। वो मूल ज्ञान ही दास को दिया है पुण्यात्मा, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धे वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रसंग को बताते हैं हल करने के लिए। जब परमात्मा वहाँ आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूँ मैं सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, मत अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं, पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नींद को ना दूध पीण की, बकवाद करते हो आप, तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी गाय कुंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं इसको, जन्म तो इसे माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकालेंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा गड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखा है अकांत जी साफ करके, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए, नू अब देखांगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप, महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है मेरे गाँव तक। इब और पाली थे वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, हैं, और फिर तने क्या बेरा जादू जंतर करके बछिया कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंतर के दूध को। वो तो उठकर चले गए वहाँ से, स्थान छोड़ गए जहाँ वो बैठे थे एक जंडी के नीचे, वो वृक्ष को ही छोड़ कर चले गए दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वह नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे,
वो बोला ला महाराज जी, आपका ये जूठा दूध कद कद मिला हमने, गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया, बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा, महाराज ये ज्ञान तो अब आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को, वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल, तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए आत्मा को, सारे ब्रह्मंडों से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाई, उनसे वार्ता करवाई, यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहेब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यू बड़ा अफसर है, यो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, काल को दिखा के देख बेटा, यहाँ खाता है 1,00,000 जीवों को भून गए, या तपत चला इसकी, और वो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल, जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर के, वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में है, बहुत बड़ा मंदिर नुमा एक गुम्बज है, सुंदर सफेद, बहुत लंबा चौड़ा, उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं, वहाँ उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है, सकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी, और वो बैठे वहाँ पर भी, जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहाँ से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यू होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा, और भाई वही तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने, वही हो तो सौरे हरे भरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं, इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है मनुष्य दृश्य। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में वासुदेव रूप में विराजमान थे, वो खड़े हुए, और नीचे से जो जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर खड़ा हो वाला भगवान खड़ा हो करके चंवर करने लग्या। उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर जो नीचे से गए थे, वो तो ऊपर से भी गए थे नीचे, नीचे से ऊपर आए थे, तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजो में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए, ओनली अकेले कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं, वो डबल रोल कर रहे थे,
गरीबदास जी चरणों में गिर गए। हे भगवान, आप तो भगवान, आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे, आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं, चकित हो गए, हे भगवान, आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहाँ ना भेजो गंदे लोक में, वहाँ तो जन्म और मृत्यु हाहाकार मचा हुआ है दाता, इतना सुंदर लोक यहाँ का। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहाँ थे भक्ति से युक्त थे, आपके आप भक्ति युक्त थे, वहाँ जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहाँ से लेकर गए थे, तुम गलती से गए थे, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि उस देर के बाद, दो तीन घंटों के बाद, उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए खराब करके, तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, एक घंटे किसी की, एक घंटे उसकी, एक घंटे उसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि बुलाओ उसको, अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा, अगर आसन पदम लगा के, पहले आवाज़ लगाई नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया, तब उन्होंने देखा है तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके, इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल थे, इकलौते पुत्र इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था चुरानी, 40 घर होंगे मुश्किल से होंगे, तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहाँ परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को, गांव चुरानी जिला झज्जर हरियाणा में, आज भी वो यादगार विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुड़ानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था, वो सीमा के ऊपर थोड़ा सा एक किला अंदर ने छुड़ानी के खेतों में, आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखे उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे, एक डांडी का वृक्ष था वहाँ पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूँगा, और भक्ति करना, इस भक्ति की कमाई तय, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज हो करके यहाँ आ सकोगे, और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना, इसे एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को, तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास उस श्वास की के सिमरण तय, इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक दर्दे पास सिंह, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में कोनी, उस साइड में रख दी जाती है पास सिंह, और तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो। अब गरीबदास जी कहने लगे, भगवान जो आपकी आज्ञा है, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहाँ कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं एक माया के पीछे, एक पेट के लिए जीविका पूरी नहीं होती उनकी, और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूँ, उनको सुख भी दूँ, उनकी आयु भी बढ़ाऊँ, काल को निकट नहीं आने दूँ, बेटा तुम ये सत्कर्म मान लेना।
तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, तीन औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहाँ था ही नहीं, एकदम वो चोर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और गरीबदास साहिब जी के अंतकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटे का भी प्रोग्राम मैनुफैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के, ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतकरण में उनके कंप्यूटर में डाल दिया। और फिर वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया, किसी की नहीं सुने, ना नो बतावें सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बतान अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। इस तरह लागे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यू मेंटल हो गया, उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बावला पागल है, जीवित तो हो गया। या इसकी माता इस बावले ने देख देख कर जी लेगी ना, या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं। वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साताव जात है काया देश राही, 3 लोक और 52 चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तुगने करे चौगने किन्नो मोल गुआई। बच्चा में बैठ कर लाग जाइए वाणी बोलने, बड़ा में खड़ा हो वहाँ बोलने लग जाइए वाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो, अरे मेंटल खुदा, अरे कह उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल, हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत, आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धाणक कबीर गरीबदास साहेब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह आया हूँ, 120 वर्ष काशी में, और कबीर मेरा नाम है, और वहाँ जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था मैं, जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूँ कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएँ रखे भगत, वो मैं खुद ही पूरी करके आता, एक उदाहरण दे के आता हूँ कि यहाँ घने धन की जोड़ की आवश्यकता नहीं, जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज़ का अभाव रहेगा ही नहीं, समय आने पर सारी पूरी करता है, इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सत्र का काम आओगा बेटा, नहीं होगा मैं खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी, इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर, वहाँ परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में।
उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात। फिर छोड़ा वापस तो दादू साहब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। तो उस दादू पंथ आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिये थे, 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे, अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ के ही से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ाने के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था, वो गोपाल दास जी उस छुड़ाने वाले शिष्य के आगे वहाँ पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ाने वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया, सारी कथा सुनाई और बताया। महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंतर का दूध पिला दिया, मंत्र का, वो पागल हो गया, मर गया था। तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गए। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो, उसको वो ठीक हो जाए, पागल हो गया। तो उस दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ, वो थोड़े बहुत भूत बात जाड़न के झाड़े जाने था। उस व्यक्ति गया वहाँ गरीबदास साहिब जी के घर पे उनके। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहाँ रहा करते थे, छुड़ाणी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी और पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। वहाँ जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने, व्यक्ति ने कहा, चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है और वो न्यू कह इस लड़की के लड़के ने, वो ठीक कर देगा, संत की विद्या संत करा करें ठीक। इस यह बात उनको भी समझ में आ गई। उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय, और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, यू तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं, हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं क्या क्या, गीत से गाता रहता है। अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थी गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादू पंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका, यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर।
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वासुदेव, ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया, गांव वाले थे ना मेंटल बतावे, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के, भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने, ऐसे संत के तो चरण छोड़ने चाहिए। वो 10-13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ कहने बोला, महाराज ये चरणों में झुक के कि यह वाणी लिखवा दो आप, तो यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने, जब वो इस तरह गतिविधि करने लगे वो चल पड़े, जैसे बालक लीला करते हैं चल पड़े भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लगेगी, इसकी कसूती बला इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है, तब वो कहने लगा, अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा, अरे गांव वालों मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे सारी मान्या करते, सब चुप हो गए, क्या बात महाराज के, यो तो भाई भगवान से मिलका रहे हैं। नो कहा करे तू के नारा राम तो मिलका रहा है, यो तो राम तो मिलका रहा थारा बच्चा, और भाई तुम मारा बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी भिरन या के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले, जैसे बाल गतिविधि करते हैं कभी दुरफुर को दे दुरफुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरे दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ कर जाता मैं लिखवाऊँ नहीं तेरे को। न्यू बोला गोपाल दास कहने लगे, महाराज मैं तो कति घर ते फारिग हो रहा हूँ और इसे काम के लिए निकला हूँ दाता, जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ कर मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने, मैं बाणिए के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूँ और आप जो कहोगे मैं लिखता रहूँगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी, पहले बाणिए बही रखते थे लंबी लंबी, इतनी लंबी 3-3 फुट लंबी और 9-1 इंच चौड़ी हुआ, उसको ऐसे फोल्ड कर तो उसमें लग गए लिखने। और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का बड़बेरी बोला जिसने, उसमें एक जंडी का पेड़ था भारिया सा, उस वो पहले ब्रानी सा क्षेत्र था, ऐसे मारू क्षेत्र से सिंचाई साधन नहीं थे उसमें, तो वहाँ जंडी ज़्यादा होया करती और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने झाड़ दंखाड़ा। तो उसमें बैठ के उसके नीचे 6 महीने तक गरीबदास साहिब जी बोलिया करते थे और दादू पंथी गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो गॉड गिवन ज्ञान गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः चित्रार्थ करवाई। इसमें कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चैप्टर है, उसमें 136 और 137 पृष्ठ पर लिखा है, काल के 12 पंथ लेंगे, उन 12 पंथों में तय 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा जिसका जन्म 1774 में होगा, उसमें गलती से 75 लिखा है। तो वो 12वां जो हंस होगा मेरा, ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो प्रथम भगत थे जैसे श्री चूड़ामणि जी थे जिसे मुक्तामणि भी कहते हैं, धर्मदास जी के पुत्र थे जो कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुए थे, उससे लेकर गरीबदास साहिब जी तक ये 12 पंथ हैं।
प्रथम जो हंस थे वो एक नंबर के हंस थे, यानी परमात्मा के भेजे हुए अपने स्पेशल हंस थे, और उसके बाद फिर ये 12 और हैं वो ऐसे ही डुप्लीकेट थे, और 11 बारवा जो थे गरीबदास जी, ये भी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। एक तो फर्स्ट को ज्ञान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है। अब इस लास्ट को जो ज्ञान दिया है, इसलिए ये इसलिए फीड कर दिया कि कभी काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूँ मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आंस वही, और अनेक पंथ चलाऊं जैसे राधा स्वामी पंथ, यो धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, यो ये निरंकारी पंथ, ये तसे ये क्या नाम बाल योगेश्वर, ये सतपाल आसाराम जी, और ये सुधांशु जी, और ये तो है सी देर रामकृष्ण ते ये पुजारी, ये तो अंडरस्टूड है। और ये दो दूसरे पंथ काल के, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव और ब्योहानी वाला दिनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रखे सतलोक और सतखंड के नाम लेकर के, और कख पता नहीं इन्होंने उसके बारे में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास बीच में कबीर मेरे वाले मार्ग में ये काल के पंथ ही घुसेंगे, काल के दूत, और मेरी महिमा मेरे द्वारा बोलेगी कबीर सागर की, और कबीर वाणी को कुछ ये फेर बदल करेंगे अपनी अनजान बुद्धि के अनुसार, तो यथार्थ ज्ञान को ये खत्म कर देंगे। अपने आत्माओं, जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर शब्दावली में, और ना ही कबीर बीजक में, तो वो अंश निकाल दिया इन्होंने। वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अंदर से ये ली गई थी आज से 250 वर्ष पहले ये वाणी लिखी, और वो अब है नहीं। तो इन काल के दूतों ने जहाँ जहाँ इनके नहीं समझ में आई उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फेर बदल कर दी, कुछ न्यों की न्यों छोड़ दी जो इनका समझ में नहीं आई, तो वह भी बची रहेगी परमात्मा की कृपा से। तो उसमें कहा है कि बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, बर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी उस बर में पंथ के प्रवर्तक द्वारा, अक्षर घर का मरम निपावे 12 पंथ हमी को धावे, क्योंकि ये सभी 12 के 12 पंथ गरीबदास पंथ तक सभी मेरी ही महिमा करेंगे। कबीर साहब हैं, कबीर सदगुरु हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीतेगा, तब तक धर्मदास या ऐसी स्थिति रहेगी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा तब क्या लिखा है कि उस समय डिक्लेयर करेंगे सारे ज्ञान को, ओपन करेंगे और नए सिरे से इसका बिल्कुल सुचारू रूप बनावाएंगे, और बर में पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, मैं ही जाऊंगा, और फिर सब पंथों को ख़त्म करके एक पंथ चलाएंगे। तो ये भी दास भेज दिया उस परम पिता ने उसी गरीब दास वाले पंथ में, बर में पंथ में। तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया उसको गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके, कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं, और परमात्मा को भिन्न बताते हैं, इन कख दाना परमात्मा को, तो काल के दूत थे सारे, और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा धर्मदास को जब सतलोक में लेकर गए और जब वापस छोड़ा तो वहाँ देखा वही परमात्मा जो नीचे से गए थे वही सिंहासन पर विराजमान थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर, और वहाँ पर सब बाग बगीचे और भगवान के सिर पर मुकुट था, ऊपर छतर था, और सब गाते बजाते गए, सब ने गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी, सब जो वहाँ भगत पहले मुक्त होकर चले गए या पुराने आदिवासी वहाँ के हैं तो वहाँ रह रहे थे, सारी विस्तार बता रखा। अरे अज्ञानी कबीरपंथी ने हो गए, वहाँ चेतन प्रकाश है बस, उसमें बिंदु टाइप आत्मा घूमती है, और कुछ नौके उसमें जाकर मिल जाती है बस, चेतन प्रकाश में प्रकाश मिल गया, खत्म। तो इन्हें खाक ज्ञान था,
तो परमात्मा ने कहा था बर में पंथ प्रगट हो मम्माणी, और बर में पंथ हम ही चले आवे आगे चल के उसमें नहीं, क्यों बारह पंथ तक कह दिया कि ये तो स्थिर कर कमर बनी पावे और ये बारह पंथ हम ही को जावे बर में पंथ, फिर आगे जो पंथ चल चुका होगा जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं आऊँगा भेजूँगा अपना हंस, तब ये ज्ञान। तो ये गरीबदास साहिब जी के द्वारा ये अपनी महिमा की वाणी परमात्मा ने फीड की और वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। एक और बताऊँ आपको कथा कि गरीबदास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है, सन 1988 से लेकर 1999 तक गरीबदास पंथ में 11 वर्ष दास रहा, उनके खूब मेहनतों से संतों से और वहाँ के सब से मिले। तो वहाँ एक विशेषता थी कि ये सख्त हिदायत थी उनको कि गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोल रखी है इसमें किसी ने फेरबदल भी कर दी ना उसको बहुत हानि होगी। एक संत ने ऐसा कर दिया था, कुछ उसमें कुछ ऐसी कड़वी करड़ी करड़ी बातें लिख रखी थी, उसने निकालने की चेष्टा की थी, उसको अधरंग मार गया, उसका सब कह भय हो गया, उन्होंने नहीं मात्रा भी छेड़ी। फिर ये कारण क्या था कि परमात्मा को पता था काल के दूत गड़बड़ फेर कर देंगे, बनी बनाए काम ने बिगाड़ देंगे। ये 200 वर्ष पहले की बात, सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को और सन 1730 के अंदर यह वाणी लिपिबद्ध की गई थी। अब लगभग 350 वर्ष हो गए तो उस समय यह लिखी गई, तो अभी तक यह कति सुरक्षित थी और यह अन्यों की न्यों हमारे पास आएगी। यह वाणी प्लस में परमात्मा के द्वारा इस दास को ने जो लीला की दिखाया जो दिया ज्ञान वो, और इन महापुरुषों की वाणी और सब सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल दिया जो अभी करना था। कहते नौ मन सूत उड़ जिया ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ईसा सुल जा दे उड़ जन दूजी बार। इसी कबीर वाणी में कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है, 12 तो ये है ही, तेर मह वंश में ये 12 वंश हैं, 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है, इस सत सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया आपसे। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी ने लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को, स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई ये सार नाम की दबार ना जाए। सतनाम और सार नाम, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था और अब ये बैन उठाना था दाता ने, पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को ही सतनाम दूंगा, तब तक ही सतनाम ने गुप्त रखना नहीं थे, काल के दूतों का हाथ लग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे, इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये दो दास तक आई है, गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी जो गरीबदास जी के तुरंत नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना ओनली, और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था, मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छींट भी नहीं लगने दी। सत्कर मानना, जैसे काल ने चाल चली है तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। सौ छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होगा।
गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे, हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर की दूरी। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे नहीं, ना को गाड़ियां थी, पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात ने वहाँ रुक गए, गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्यनियम कर लेता हूँ। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुक्र दुख बंधनम, ये सारी जोर जोर से लय ला कर पढ़ रहा था। तो वहाँ एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा उसकी भी ऐसी जमीन थी, 800-900 एकड़ जमीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहाँ परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के, गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया, और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा। जब उसने अपना पूरा नित्यक्रम कर लिया, तब उसने कहा कि महाराज, कहा कि हे भगत, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा, क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भक्त ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है, और वहाँ छुडानी गांव है एक रोहतक के पास। उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया, गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे, उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया। और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं, गांव में एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहाँ से चला अगर दर्शन करने चाहिए ऐसे महापुरुष के जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहाँ गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बार का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस, क्योंकि लाल की प्रकरणी थोड़ी हुआ करें, बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे, और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था, वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो ठाली खाली रहते थे। तो वहाँ आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला करें देसी भाषा में। उसमें आग चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ आंगन सा होता है। तो वहाँ कुछ भक्त बैठे थे, उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बताया दिया कि सामने चला जा भाई, वहाँ है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना, वो कहाँ हैं? अब वहाँ बैठे भक्त तो भी इंतजार कर रहे थे, कहाँगे, उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं, वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक, गर्मियों का सीजन था। तो उसने सोचा राम राय ना कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर हैं, और
संत के दर्शन करके पानी पीऊंगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पा लो, चाह पानी पियो, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना वो हैं कहाँ, मैं दर्शन करूँगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपाटे को जाते हैं सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत है आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा, उनकी तो मौज है। तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूंगा। बताएगा खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रस्ते पर, वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूंगा महात्मा की, इसी महापुरुष के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का साहेब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी बाकी का समय बर्बाद। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।